नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। साल 2014 में चली मोदी लहर में सभी पार्टियां उड़कर तितर बितर हो गई थी, फिर चाहे वो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही क्यों ना हो। बीजेपी की रणनीति के आगे सभी पार्टियां चित हो गई थी। इस लिहाज से भी 2019 का आगामी लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प है। विरोधी कई बार 2014 में बीजेपी की तरफ से अपनाई गई रणनीतियों की नकल करते भी देखे गए हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हैं। जी हां, कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेठी के साथ साथ इस बार राहुल गांधी दो और सीटों से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वो सीटें होंगी मध्य प्रदेश की कोई सुरक्षित सीट जिसका नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, और दूसरी महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट। ठीक उसी तरह जैसे साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वडोदरा के साथ साथ पीएम मोदी ने वाराणसी से अपनी किस्मत आजमाई थी, और चुनाव परिणाम ये रहा कि पीएम मोदी वडोदरा सीट तो जीते ही साथ ही वाराणसी से भी सांसद चुन लिए गए। जिसके बाद अब 2019 में पीएम मोदी की इस रणनीति की नकल करते हुए राहुल गांधी भी 2 से 3 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने की सोच रहे हैं। वैसे इस खबर के कुछ और मायने भी निकाले जा सकते हैं। वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी अमेठी में बीजेपी से डर गए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी साल 2004 से अमेठी से सांसद हैं, जब उन्होंने 2,90,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदियों को मात दी थी, जबकि 2009 के चुनाव में भी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 3,70,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। हालांकि साल 2014 में बीजेपी ने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को मैदान में उतारकर अमेठी सीट को दिलचस्प बना दिया था। और हैरानी की बात यह है कि पिछले 10 सालों से सांसद रहने के बावजूद भी राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने इस सीट पर कड़ी टक्कर दी, और पहले के चुनावों की अपेक्षा राहुल गांधी की जीत के वोटों के अंतर को ईरानी ने काफी हद तक कम कर दिया था। या यूं कहें कि 5 साल पहले 3,70,000 वोटों के अंतर को 5 साल बाद स्मृति ईरानी ने 1,07,000 वोटों पर पहुंचा दिया था, जिसे राहुल गांधी का डरना तो लाजमी ही है। तो ये भी एक वजह संभव है कि राहुल गांधी अपनी 15 साल पुरानी सीट के साथ साथ दो और सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि यूपी के बाद लोकसभा सीटों के लिहाज से 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र ही सबसे बड़ा राज्य है, तो कांग्रेस अध्यक्ष को वहां फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही एक और फायदा है जो कांग्रेस को नांदेड़ में होने का मिल सकता है, वो है पड़ोसी राज्य तेलंगाना, जिसमें महाराष्ट्र में रहते हुए कांग्रेस आसानी से अपने लिए माहौल बनाने की कोशिश कर सकती है। बता दें कि नांदेड़ एक लिहाज से कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि नांदेड़ महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अशोक चव्हाण का गढ़ है। अशोक चव्हाण ऐसे नेता हैं जो 2014 में मोदी लहर के बावजूद अपनी सीट को बचाने में कामयाब रहे थे, और अभी करीब 1.5 साल पहले हुए नांदेड़ के नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 81 में से 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी।